उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में निर्मित राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड दर्शक दीर्घा का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि क्रिकेट ग्राउंड पर दर्शक दीर्घा बन जाने से क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक नया अवसर पैदा होगा। उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा में 500 दर्शकों के बैठने का इंतजाम किया गया है और खिलाड़ियों के लिए अलग अलग कैबिन भी बनाया गया है। इसमें VIP दर्शकों के लिए एक वातानुकूलित विंडो बनाया गया है जहां से वह खेल का आनंद ले सकेंगे। महाप्रबंधक रेलवे ने बताया कि गोरखपुर में अभी तक क्रिकेट प्लेग्राउंड में कोई भी अत्याधुनिक दर्शक दीर्घा नहीं था। पहली बार इसकी शुरुआत रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर की गई और जिससे आने वाले समय में खिलाड़ियों को एक नया अवसर प्राप्त होगा। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे CPRO पंकज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, दोनों स्वीकृति दिलाने में जो पूर्व नशा के अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी सभी स्पेशली मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को आप लोग एक अच्छे लेवल पर लेकर जाए जिससे हम लोग को यहाँ बड़े मैचेस मिल सके। अब मैं अनुरोध करूँगा श्री सतीश कुमार पांडे जी से कि कृपया स्वागत समारोह में कर सकते हैं देवियों और सज्जनों, आज का दिन पूर्वोत्तर रेलवे के स्पोर्ट्स के लिए एक स्वर्ण दिनों में गिना जाएगा। ये क्रिकेट ग्राउंड काफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, लेकिन यहाँ पे ये सुविधाएं पवेलियन की न होने की वजह से काफी हैंडीकैप महसूस किया जा रहा था यहाँ पे, जो आज पूरा हुआ है। अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है जो धीरे धीरे करके इंडियो कोर्स की जाए, लेकिन इसे फंक्शनल बनाया जा चुका है और सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी इसमें उपलब्धि करा दी गई है। जैसा पंकज ने कहा, इसके निर्माण में अथक भूमिका रही डिप्टी CDA यूनिट, डिप्टी CDA कॉलोनी यूनिट और स्टोर विभाग की, जिन्होंने की अपना अपना योगदान दे करके निर्धारित समय में इस कार्य को पूरा किया। शायद अगर कोविड नहीं आता तो थोड़ा पहले हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा थी। मैं पुनः अपनी ओर से और यहाँ पे उपस्थित सभी विभागों की ओर से जिनकी इसमें भूमिका रही है, पुनः एक बार मैं माननीय महाप्रबंधक महोदय का, स्टेट बैंक के EGM महोदय का और अध्यक्षता महिला समिति और अन्य सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों का पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हम पीछे जाएंगे, पीछे आइए मैडम। जिम्नेशियम हमें लगा हुआ है, जो प्लेयर्स के लिए
ये सारे मीडिया के लोग सर हैं, इनको इसीलिए सर बुलाया गया है कि आप लोग गोरे गोरे पैसे ले आइए। ये पवेलियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था। इस पवेलियन के ना होने से बहुत बड़े मैचेस जो हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाते थे, और अब हमें ये आशा है कि ये पवेलियन बन जाने के बाद और इसमें जो सुविधाएं बनी हैं काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की सुविधाएं बनी हुई हैं, तो अब और अच्छे मैचेस जो हिंदुस्तान में होने वाले, हो सकता है कभी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी यहाँ पर आ सके, पर कम से कम इंडिया में होने वाले बड़े मैचेस तो अब यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, यहाँ पर होने चाहिए। सर खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं? खिलाड़ियों के लिए जो भी रिक्वायर्ड है सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। उनके लिए बैठने की जगह है, इवन स्टे करने की भी जगह का इंतजाम हम कर सकते हैं, तो इसलिए अपने में पूरी कंप्लीट फैसिलिटी है। काफ़ी कुछ काम हो चुका है, थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई हैं, वो सब हो जाएंगी। तो कितनी टीमों को रुकने की व्यवस्था? क्या दो टीमें कम से कम रहती हैं?